मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा गमले में गेंदा का पौधा कैसे लगाएं। फ्रेंड्स, पौधा लगाने के पहले हमें बात जान लेना चाहिए, मिट्टी में 75% मिट्टी होनी चाहिए और 25% खाद होना चाहिए। उसमें हल्का सा ग्रेवियन मिक्सचर मिला देना जो आपको बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाए किसी भी दुकान से। फ्रेंड्स, एक गेंदा का सीज़न हमेशा ठंड या गर्मी में कभी भी हो सकता है। एंड गेंदा मैं आज आपको सफ़ेद गेंदा और ऑरेंज गेंदा लगा के दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग गमले में पहले मिट्टी भर देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मिट्टी है, ये सब खाद है, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, इसको हम गमले में भर देते हैं। फ्रेंड्स, भरने के पहले आप देखिए, किसी भी गमले में आप लगाएं तो इसमें छेद होना चाहिए, क्योंकि जो पानी आप डालेंगे वो नीचे से बह जाए और ना फिर मिट्टी में रहेगा तो पौधा सड़ने का डर रहता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, हम आप इसको मिट्टी में मिट्टी भर देते हैं गमले में। और भी आप पौधा देख सकते हैं, मैंने हाथों से लगाया है वो देख लीजिए, ये सब मैं इसी तरीके से लगाया है, इसकी ग्रोथ देख लीजिए। अभी लगभग एक या दो हफ्ता हुआ है, ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये सब जो गुढ़ाड़ उड़ल होते हैं, इन सबका कभी भी आप मीन्स पौधा ना लीजिएगा, क्योंकि इन सबकी डंठल लगती है। फालतू में अगर आप किसी के भी कहने पर पौधा लेते हैं गुढ़ाड़ का, तो फिर आपका पैसा फालतू में जाएगा। और अगर आप कोई भी डंठल लगा के लगा देते हैं, फिर आपका वो डंडा लग जाएगा, अच्छी ग्रोथ भी पाएगी और वो फूल भी अच्छे अच्छे देगा। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं तुलसी भी लगाया हूँ, ये देख लीजिए। यहाँ देखिए, दो गेंदा रखा है, ऑरेंज में है, व्हाइट में है, इसको हम लोग लगाएंगे। ये देखिए, हमारा मिट्टी प्रॉपर वैसे भर चुका है। इसमें लेवलिंग कर देते हैं, इसको ऐसे बैठा देते हैं। इसमें हम लोग अब थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा खोलेंगे। ये हम लोग का जो है, ये सफ़ेद गेंदा है और ये ऑरेंज गेंदा है। फिर हमको इसमें इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सावधानी से निकाल लें कि पौधा टूटे ना। अगर ये बाई चांस आपका टूट जाता हल्की क्योंकि मिट्टी गिर जाती है, आपको चिंता करने कोई बात नहीं है, तो फिर भी आपका लग जाएगा क्योंकि इसकी जड़ होनी चाहिए। फ्रेंड, देखिए कितनी आसानी से ये ऐसे करेंगे, देखिए सर इसकी कितनी जड़ें फैली हुई हैं। ये देखिए, नीचे भी है, बगल में, साइड में, सब जगह इसकी जड़ें हैं। एक पौधा निकल के इसको सुरक्षित रख दीजिए। फ्रेंड, सब लोग अपना दूसरा पौधा भी ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ से पीछे से पकड़िए, खींच दीजिए, ये निकल गया। फ्रेंड, इसके भी जड़ें बहुत ही ग्रोथ कर रही हैं, यानी कि ये दोनों पौधे बहुत अच्छे से लगेंगे, इसकी ग्रोथ भी होगी। फ्रेंड, हम लोग इसमें कुछ गड्ढे खोद लेते हैं, थोड़ा सा मिट्टी ज़्यादा हो गई इसलिए हम लोग निकाल लेते हैं इसको। इतना देखिए, जड़ फैलने के लिए नीचे कुछ मिट्टी होना चाहिए। आप कभी भी पॉट में लगाएं तो हाफ पे लगाएं, हाफ पौधा पॉट के मीडियम में रखें, ऐसे इसको हिसाब सेट कर दीजिए। ये देखिए, हमारा पौधा सेट हो चुका है, थोड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं ऐसे। ये इसमें गया, ये इसमें गया। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से फिट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसमें अगल बगल मिट्टी भर देंगे जिससे कि ये हिले ना। ये देखिए फ्रेंड्स, और पहली बार आप गमले में कभी भी पूरी मिट्टी ना भरिएगा, क्योंकि उससे पानी जब आप डालते हैं तो फिर ऊंचे तक जा नहीं पाता, ऊपर ही ऊपर रह के बह जाता है ज़मीन पे। गमले के ऊपर थोड़ा सा स्पेस आप छोड़िए, जैसे कि आपका पानी अंदर तक डिजॉल्व हो सके। फ्रेंड, गमले में कभी भी 2 से 3 छेद करिए, उससे ज़्यादा ना जितना पानी आप सब डालेंगे बह जाएगा। ये देखिए, हम लोग का पौधा लग चुका है यहाँ पे, अभी तैयार नहीं हुआ है तो जल्दी ही तैयार हो जाएगा। ये देखिए, और जहाँ पे आप पौधा लगाते हैं उस सेंटर में आप मिट्टी थोड़ा ज़्यादा भरें, पौधे को सीधा रखने की कोशिश करें। और जब भी पौधा बड़ा हो जाए इसमें एक डंडा लगा दीजिए, क्योंकि उससे सपोर्ट से वो सीधा बड़ा हो सके। जैसे कि मैंने यहाँ बैठे कंडाई में लगाया है, ये आप देख सकते हैं एकदम फिट, अगल बगल हल्का हल्का डाल दीजिए। ये देखिए, मेरा पौधा लग चुका है इसमें। यहाँ देखिए, थोड़ा स्ट्रेट है तो यहाँ पे ये लगा देंगे, इससे
पौधे का विकास अच्छा होता है। ये देखिए हम लोग का पौधा तैयार हो चुका है, इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी डाल देंगे। कभी भी पौधा लगाए, लगाने के बाद इसमें पानी डाल दीजिए। ये देखिए ये इसमें पानी डाल दीजिए, पर कभी भी ज़्यादा मात्रा में पानी डालें, क्योंकि मैंने जब लगाए तो पहले से उसमें नमी होती है। ये देखिए यहाँ पे पानी डल चुका है, कि जब तक अगर कभी भी पानी अंदर चला जाए वो फिर ऊपर एकदम प्लेन हो जाए फिर आप पानी डाल सकते, बट अगर पानी ऊपर रहेगा तो पानी डालिए। फ्रेंड इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो गाइस मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।